क्या हुआ भाई, देवदास क्यों बने हुए हो? यार जय, बड़ी टेंशन हो रही है। हुआ क्या? 2 महीने में रिसोर्ट रेडी करके देना है और इन्वेस्टर से मैंने कमिटमेंट भी कर ली है। तो क्या हुआ, क्या 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 लगा रखा है तूने? तुझे पता है ना कि 10x10 का रूम बनाने में 30-30 दिन लग जाते हैं, और यहाँ पे 2 महीने में पूरा रिसोर्ट कैसे बनाएंगे? रैपिडली। क्या? अरे अपना एवरेस्ट रैपिकॉन है ना, सारा काम रैपिडली हो जाएगा। रैपिडली? एवरेस्ट रैपिकॉन से मतलब? एवरेस्ट रैपिकॉन है रेडी टू फिक्स वॉल पैनल्स, जो स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है और लगता भी 4 गुना तेजी से है। ना भाई ना, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, कहीं टूट फूट गया तो? अरे ऐसे सोचना भी पाप है। एवरेस्ट रैपिकॉन है इम्पैक्ट रेजिस्टेंट, जो देता है सुपर स्ट्रॉन्ग वॉल्स। ये मॉइस्चर और फायर रेजिस्टेंट भी है, यानी अब सीपेज की और आग फैलने की टेंशन ही नहीं, और इस पे काई भी नहीं जमती, यानी लो मेंटेनेंस। तो इसे हम कमर्शियल बिल्डिंग में भी यूज कर सकते हैं? कहीं भी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी चाहे कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो या इंडस्ट्रियल हो। एवरेस्ट रैपिकॉन देता है हर स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्गर, लाइटर और फास्टर वॉल्स। ये तो बढ़िया है, पर इसे लगाते कैसे हैं? इसे लगाना बहुत आसान है, आओ देखते हैं। इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले मौजूदा दीवार, सीलिंग और कंक्रीट के फ्लोर को अच्छे से साफ कीजिए, ताकि सतह से सरप्लस मटेरियल निकल जाए। दीवार की लेआउट सेट करने से पहले चेक कर लीजिए कि फ्लोर अच्छे से लेवल किया गया है। पार्टीशन प्लान के हिसाब से लेआउट प्लान कीजिए। चैनल फिक्स करते समय हमेशा 3-4-5 का फॉर्मूला फॉलो कीजिए, ताकि आपकी दीवार एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहे और राइट एंगल में भी। फ्लोर पे पार्टीशन प्लान का लेआउट मार्क कीजिए, जरूरत के मुताबिक फ्लोर ट्रैक प्रोफाइल काटिए। फास्टनर को 50 mm की दूरी पे लगाइए, फिर उसे 600 mm की दूरी पर 45x8 mm की फास्टनर की मदद से फ्लोर पे सेंटर टू सेंटर और जिगजैग पैटर्न में लगाइए। फ्लोर चैनल फिक्स करने के बाद प्लम बॉब की मदद से सीलिंग चैनल फिक्स कीजिए। सीलिंग ट्रैक प्रोफाइल को भी फास्टनर की मदद से इसी तरह RCC सॉफिट में एंकर कीजिए। बिल्कुल फ्लोर ट्रैक की लाइन में 50 mm पैनल के लिए 52 mm प्रोफाइल चैनल का और 75 mm पैनल के लिए 77 mm प्रोफाइल चैनल का इस्तेमाल कीजिए। रैपिकॉन पैनल को चैनल में फिक्स करने के लिए इसे पहले सीलिंग पैनल में इंसर्ट कीजिए, फिर फ्लोर चैनल में रखिए। जहां भी जरूरत पड़े छोटे वाले फ्लैंज को ओपन करके पैनल को फिक्स कीजिए और वापस सही पोजिशन पे ले आइए। बिना किसी मेटल स्ट्रक्चर की सहायता के 50 mm के साथ 4.2 मीटर तक और 75 mm के साथ 4.5 मीटर तक की ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। ऊंची दीवारों के लिए स्टैगर्ड पैटर्न फॉलो करें और हॉरिजॉन्टल जॉइंट के बीच 1.5 मीटर की दूरी रखें। पैनल्स हमेशा 90 डिग्री एंगल में ही लगने चाहिए। परमानेंट दीवार बनाने के लिए सोडियम सिलिकेट और फ्लाई एश के मिक्सचर को हर पैनल की टंग एंड ग्रूव जॉइंट्स के बीच लगाइए, इससे जॉइंट्स मजबूत बनेंगे। समझ गया, पर अगर दरवाजा लगाना हो तो ओपनिंग कैसे बनाएंगे? इसे लगाना बहुत आसान है, आओ देख लेते हैं। दीवार की लंबाई में फ्लोर ट्रैक लगाइए, पर जहां दरवाजे की ओपनिंग बनानी है वहां आपको फ्लोर ट्रैक नहीं लगाना है। ध्यान रहे, दरवाजे और विंडो की ओपनिंग के ऊपर लिंटेल होना जरूरी है, इससे दरवाजे और विंडो के फ्रेम पे कोई लोड नहीं आएगा। लिंटेल की चौड़ाई को दरवाजे की चौड़ाई से कम 300 मिलीमीटर अधिक रखिए। ध्यान रहे, लिंटेल की दोनों साइड पैनल को 150 mm से ओवरलैप करें। दरवाजे के दोनों ओर लगे वॉल पैनल्स पे लिंटेल पैनल्स बिठाने के लिए उन दोनों को एल शेप में काटिए। एल पैनल के निचले हिस्से की लंबाई 150 mm होनी चाहिए। दरवाजे की ओपनिंग के आगे वर्टिकल वॉल पैनल्स को फ्लोर और सीलिंग ट्रैक प्रोफाइल में लगाइए। मेटल डोर लगाने के लिए MS हॉलो पाइप्स का इस्तेमाल कीजिए, इससे दरवाजे की फ्रेम फिक्सिंग के लिए मजबूती मिलती है। दरवाजे की फ्रेम के प्रोफाइल के अनुसार MS सपोर्ट लगाइए, इससे दरवाजे की फ्रेम फिक्सिंग में आसानी होगी क्योंकि यह हिलेगा डुलेगा नहीं।
अब पार्टीशन वॉल दरवाजे के साथ तैयार है। इसे मनपसंद फिनिश दीजिए। और विंडोज प्लान के हिसाब से विंडो का प्रोविजन पहले से बना के रखिए। दरवाजे की ही तरह विंडोज के दोनों ओर लगे वॉल पैनल पे लिंटल लगाइए। विंडो की फ्रेम के प्रोफाइल के अनुसार एमएस सपोर्ट लगाइए। आप इस ओपनिंग के अंदर स्टील, लकड़ी, टिम्बर या एल्यूमिनियम का फ्रेम लगाकर खिड़की फिक्स कर सकते हैं। एमएस सेक्शन पे एफसीबी बोर्ड लगाकर उसे कवर कर सकते हैं। खिड़की और दरवाजा फिक्स करने के लिए मैन्युफैक्चरर द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन कीजिए। अच्छा, पर इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग में तो प्रॉब्लम आती ही होगी। बिल्कुल नहीं, आइए वो भी देख लेते हैं। कंसील्ड वायरिंग के लिए 75 mm एवरेस्ट रैपिकॉन वॉल पैनल का इस्तेमाल कीजिए। कंड्यूटिंग करने के लिए लेआउट के हिसाब से मार्क करके हमेशा वर्टिकल कटिंग कीजिए। हॉरिजॉन्टल कटिंग ज्यादा से ज्यादा 300 mm तक ही की जा सकती है। एक से ज्यादा पैनल में एक साथ हॉरिजॉन्टल राउटिंग मत कीजिए। कटिंग के लिए ग्राइंडिंग टूल का इस्तेमाल कीजिए और सीमेंट शीट की सतह को काटिए ताकि जरूरी डेप्थ मिल सके। 75 mm के एवरेस्ट रैपिकॉन वॉल पैनल में स्विच जंक्शन बॉक्सेस के लिए चेजिंग कीजिए। आप 40 mm तक की चेजिंग कर सकते हैं। कॉन्ड्यूट पाइप्स और फिटिंग लग जाने के बाद चेस्ट कोर को सीमेंट पेस्ट, पुट्टी या जॉइंटिंग कंपाउंड से भर दीजिए। फिर एफसीबी से कवर कीजिए। सीमेंट पेस्ट सेट हो जाने के बाद ही कंसील्ड पीवीसी पाइप्स में वायरिंग का काम कीजिए। जॉइंटिंग और फिनिशिंग एप्लीकेशन शुरू करने से पहले पैनल के बोर्ड को बेवल कीजिए। यूनिफॉर्म बेवल्ड पैनल के लिए आप फैक्ट्री मेड बेवल्ड पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेवल की डेप्थ 1 से 1.5 mm होनी चाहिए और विड्थ कम से कम 60 mm। जॉइंटिंग कंपाउंड लगाने से पहले एमरी पेपर से सैंडिंग कीजिए और सतह को गीले कपड़े से साफ कीजिए। बोर्ड्स की बेवल की गई एजेस के पैरेलल और बगल में मास्किंग टेप लगाइए। दोनों पैनल जॉइंट गैप को एवरेस्ट एक्रेलिक रेजिन बेस्ड सीमेंटिशियस कंपाउंड से भरिए। सूखने के बाद अगर पहली एप्लीकेशन में कोई श्रिंकेज मिलती है तो इस प्रक्रिया को दोहराइए। एक फ्लेक्सिबल स्टील नाइफ की सहायता से अतिरिक्त मटेरियल हटाकर भरी हुई सतह को लेवल कीजिए। गीले जॉइंटिंग कंपाउंड पे 50 mm चौड़ा नॉन वोवन सिंथेटिक ग्लास फाइबर मेश टेप लगाइए और उसे सूखने दीजिए। उसके बाद ही दूसरा एप्लीकेशन कीजिए। सतह को लेवल करने के लिए लगाए हुए फाइबर मेश टेप पर एवरेस्ट जॉइंटिंग कंपाउंड का एक कोट लगाइए। फिर जॉइंटिंग कंपाउंड के दिए हुए निर्देश के अनुसार उसे सूखने दीजिए। फिर अच्छे से जांचिए कि कहीं कोई श्रिंकेज ना आ गई हो। अगर श्रिंकेज है तो उसे जॉइंटिंग कंपाउंड से ढक दीजिए। दरवाजे और रैपिकॉन पैनल के बीच के गैप को पहले सीलेंट से सील करके उसे जॉइंटिंग कंपाउंड से भरना चाहिए। फिनिश जॉइंट सरफेस को एमरी पेपर से सैंड कीजिए ताकि सरफेस लेवल हो जाए। एक्रेलिक या सीमेंट बेस्ड पुट्टी से जरूरी सरफेस प्रिपरेशन कीजिए और फिर सतह पे प्राइमर लगाइए और उसके बाद पेंट का फाइनल कोट। एक्सटर्नल वॉल पैनल पे जॉइंट्स को सील करने के लिए हमेशा सिलिकॉन सीलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। रैपिकॉन वॉल पैनल के ऊपर वेट एरिया में टाइल बिछाने से पहले वाटरप्रूफिंग कीजिए। रैपिकॉन वॉल पार्टीशन के ऊपर टाइल्स लगाने के लिए चिकन वायर मेश को दीवारों पर फिक्स करें। फिर अच्छी क्वालिटी के टाइल एडहेसिव से टाइल्स फिक्स कीजिए। ध्यान रखिए टाइल्स का वजन 30 केजी पर मीटर स्क्वायर से कम हो। तो अब हुआ भरोसा एवरेस्ट रैपिकॉन पर? बिल्कुल, अब मैं तेरी तरह रिलैक्स्ड हूं। एवरेस्ट रैपिकॉन, स्ट्रॉन्गर, लाइटर, फास्टर।